जय हिंद साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपनी तैयारी किस तरीके से करता था। हालांकि इससे पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि मैं अपनी कौन सी बुक से पढ़ाई करता था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप वीडियो देख लें, तब ये वीडियो देखें और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो उस वीडियो पर क्या था कि एक कमेंट आया था कि सर आपने अपनी बुक तो दिखाई बट आप ये भी बता देते कि आप अपनी तैयारी कैसे करते थे तो थोड़ा अच्छा रहता। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि मैं अपनी तैयारी किस तरीके से करता था। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं काफ़ी सारे एग्जाम में क्वालिफाई कर चुका हूं और मैं काफ़ी सारे एग्जाम मैंने दिए हैं। दोस्तों, मैं 2-3 वैकेंसी की फाइनल में ही बाहर हुआ हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का तजुर्बा है। बात है 2013 की, 2013 मैंने अपनी मतलब कंपटीशन लाइन की मैंने शुरुआत की। 2013 में ही मेरा जो पुलिस का जो एग्ज़ाम है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल 2013 का, उसमें मैं पहली बार बैठा। चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो एक कंप्लीट बुक आती है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की, वो मैंने सबसे पहले वो बुक ली, उससे मैंने पढ़ाई स्टार्टिंग कर दी। तैसे करके प्री एग्जाम क्वालिफाई हुआ। उस समय 2 एग्जाम होते थे, प्री और मेन। ठीक है, उसके बाद मैंने फिजिकल की तैयारी करी। फिजिकल मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। उस समय क्या था कि 20 मिनट से पहले अगर हम रेस लगाते हैं तो हमें जो है 100 नंबर मिलते थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने 18 मिनट में ही रेस मार दी और मुझे 100 नंबर उसमें अंदर मिल गए। ठीक है, उसके बाद मेन एग्जाम हुआ, मेन एग्जाम भी मेरा क्वालिफाई हो गया। मेन एग्जाम के टाइम पे मैंने और अच्छे से अपनी तैयारी कर ली। ठीक है, मैथ कवर कर लिया सारी चीज़, मतलब सेल्फ स्टडी पे उस समय फोकस ज़्यादा दिया, पर सेल्फ स्टडी करी और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरा मेडिकल भी हुआ मगर मैं फाइनल में किसी कारणवश बाहर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों जब उस वैकेंसी में फाइनल में बाहर हुआ तो उसके बाद क्या था कि मतलब हमारी तैयारी इतनी कंप्लीट नहीं थी, हालांकि मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। तो उसके बाद क्या था कि फिर मैंने दोबारा से फिर स्टार्टिंग करी। तो उस समय एग्जाम आए थे 2015 में, शायद आपको याद होगा, राजस लेखपाल, चकमंदी लेखपाल, ठीक है, और आपके अमीन वगैरह, ये एग्जाम हुए थे उस टाइम पर। तो मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मैंने एडमिशन ले लिया था। ठीक है, तो वो भी मैंने छोड़ दी अपनी सिर्फ इस नौकरी की वजह से कि मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी, और फिर पॉलिटेक्निक करके भी मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में ही आना है, फिर मुझे यही मतलब इसकी तैयारी करनी है, तो फिर आज ही मैं क्यों ना कर लूँ। ठीक है, तो मैंने पॉलिटेक्निक भी छोड़ दी। हालांकि मेरे घर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक थी और वहीं पर मुझे मतलब मेरा एडमिशन भी हो गया था। वहाँ पर क्या था कि मतलब मैंने अपनी स्टार्टिंग करी और चीज़ों को और अच्छे से समझा, मैथ वगैरह कवर किया, जीके कवर किया, रीजनिंग कवर किया, वही सेल्फ स्टडीज है। ठीक है, तो लेखपाल के एग्जाम में मतलब समझ में नहीं आया कि कहां से स्टार्टिंग करें, तो उसमें ग्रामीण परिवेश जो आता है उसमें मैं कहीं ना कहीं मतलब मेरे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो गए और मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद क्या था कि एक कंडीशन ऐसी भी आ गई कि मुझे दुबई जाने के लिए, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं दुबई चला जाऊं क्योंकि मतलब मुझे मतलब ड्रीम था कि मुझे पैसा कमाना, अपना करियर बनाना है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं लग रहा था। तो मैंने अपना पासपोर्ट भी बनवाया और मैं दुबई जाने के चक्कर में था। तो बट उसी टाइम पर एक वैकेंसी आ गई ग्राम विकास अधिकारी की, बीडीओ की वैकेंसी। ठीक है, इससे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी की वैकेंसी भी आई थी बट उसमें मेरा ट्रिपल सी नहीं था, तो जिस कारण बस फॉर्म नहीं डाल पाया। तो उसी टाइम पे मैंने तुरंत मतलब अपने ट्रिपल सी भी कंप्लीट कर लिया, उसी टाइम पे ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आ गई, उसमें मैंने फॉर्म अपना अप्लाई किया। ठीक है, उसकी फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी। उसमें आपकी 3 चीजें आती थी, जीके, रीजनिंग और हिंदी। ठीक है, मैथ उसके अंदर नहीं आता था, हालांकि मेरा मैथ वेस्ट था, मतलब मैथ मैं कवर कर लेता था पहले से ही, मैथ मुझे पढ़ना पसंद था, मैथ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होती थी, बट ये चीज़ नहीं आ रही थी तो और वेस्ट हो गया क्योंकि अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। और जो ये सिलेबस था, ये सिलेबस मैंने सेल्फ स्टडी से ही सारा कवर कर लिया क्योंकि इसके लिए मतलब स्पेशल तौर पर कोई कोचिंग नहीं करा रहा था। आज के टाइम पर तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि मैं ज़्यादातर ऑफलाइन अपनी स्टडी करता था क्योंकि ऑनलाइन का उतना कोई दौर नहीं था। ठीक है, और मैंने जो अपनी इसकी मतलब तैयारी की थी हिंदी के लिए, मैंने मात्र जो आपके स्टेनो वगैरह की एक क्लास चलती थी उसमें मैंने हिंदी की मात्र 20 दिन एक क्लास ली थी। ठीक है, और रीजनिंग की मैंने 1 महीने क्लास ली थी फेस टू फेस एक टीचर से। सेल्फ स्टडी बहुत मजबूत करके कर ली अपनी। करंट में कवर करता था टारगेट का, मंथली एक अखबार आता था वो मैं लेकर के आता था, डेली का न्यूज़पेपर पढ़ता था, और एक मोबाइल पर एप्लीकेशन कोई निकाल लिया। ठीक है, तो पता नहीं उसका नाम क्या था उस टाइम पर, तो उसी से मैं 10-12 क्वेश्चन वहाँ पे भी कवर कर लेता था। ठीक है, मेरा जीके कवर हो गया, करंट कवर हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें मेरी और सारी हिंदी और रीजनिंग वगैरह वो भी मैंने सेल्फ स्टडी से अपनी कवर कर ली और एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद 2 दिन मेरा फिजिकल चला। फिजिकल में वैसे ही स्ट्रॉन्ग था, मतलब फिजिकल में मुझे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने नोटबंदी के टाइम पर ही एक अपना साइबर कैफे खोला। ठीक है, साइबर कैफे खोला, अपना साइबर कैफे चलाया, अपना अर्निंग करने लगा। ठीक है, फिर सारा फोकस मतलब एक साइबर कैफे कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ रहता था, अपनी नौकरी के बारे में जानकारी रहती थी, कौन से फॉर्म निकल रहे हैं, ठीक है, कहाँ ऑनलाइन करना है, ये भी जानकारी अपनी हो गई थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इससे भी मुझे फायदा मिलता था, जो भी फॉर्म आता था मैं सारे अपने फॉर्म फिल करता था।
फिर इसके बाद में क्या था कि मैंने एक अपना कोचिंग लगाया 2018 के, मतलब 2017 के दिसंबर में, ठीक है, एक कोचिंग जो PCS लेवल का एक टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते थे। तो उससे क्या था कि वो एक कोचिंग मॉर्निंग में मैं लेता था, उसमें हमारा मैथ बहुत अच्छे से कवर किया जाता था, ठीक है, तो मैथ मैं वहाँ पर कवर करता था बहुत अच्छे से। उसके बाद बाकी GK में और रीजनिंग में और हिंदी में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि मैं वीडियो के टाइम पर बहुत अच्छे से मैंने 3 महीने सेल्फ स्टडी करी थी, तो उस चीज़ को तो मुझे रिवाइज ही करना था। तो मैथ के लिए मैं जाता था, मैथ वो डंडों पर कराते थे, ठीक है, तो मैथ में मतलब दोनों तरीके से कर लेता था, एक्स से भी और डंडों से भी। तो मैथ मेरा वहां पे मैंने थोड़ा रिवाइज किया, तो मेरा मैथ जल्दी कवर हो गया, क्योंकि जब हम मैथ करना अपना छोड़ देते हैं तो मतलब कहीं ना कहीं हम भूलने लगते हैं और सवालों पर अटकने लगते हैं। तो वहां पे जाकर मैंने जैसे कुछ 2-3 महीने अपनी स्टडी करी, मैथ अपनी जगह पे आ गया। मॉर्निंग में अपना कोचिंग, उसके बाद पूरा दिन मैं मतलब साइबर कैफे चलाता था, तो उस टाइम पे मतलब ज्यादा वर्क भी नहीं था कि ऐसा पूरे दिन वर्क ही करना हो, उस टाइम पे मैं पढ़ाई भी कर लेता था और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी आ जाते थे, वहां पे सेल्फ स्टडी भी हम कर लेते थे, ठीक है। फिर उसी टाइम पे मेरा वीडियो का इंटरव्यू भी हुआ, बट उसमें मैं मतलब नंबर भी मेरे ठीक रहे, बट मैं उसमें फाइनल में बाहर हो गया। तो उसी टाइम पे ये UP पुलिस कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आई थी 41,520, और फिर दोबारा से एक वैकेंसी आई थी 49,000 के आसपास एक वैकेंसी और आई थी, और फिर उसके बाद में आपके वीडियो के वैकेंसी आई, और भी बहुत सारे एग्जाम हुए, और ये फॉरेस्ट गार्ड वाला भी एक हमारा एग्जाम हुआ था 2016 वाला, रुकोवा वाला, ठीक है। तो मेरा यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल का जो ये एग्जाम था, खास तौर पे मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि मैं कोचिंग तो बराबर कर रहा था, मैथ लेकर के चल रहा था, रीजनिंग सारे सिलेबस को अपना कवर करके चल, टाइम पे ये यूपी पुलिस की वैकेंसी आई, इसका एग्जाम हुआ और ये एग्जाम मेरा क्वालिफाई हो गया। इसके साथ ही साथ यूपी फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्जाम हुआ, वो भी मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया, ठीक है। इसका फिर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रेस, PST, ये सारी चीज कंप्लीट हुई और फिर मतलब हम ज्वाइनिंग पे चले गए, ठीक है। ये प्रोसेसिंग रहा। कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि मेरा जो पढ़ने का रूटीन रहा वो मतलब डेली, मतलब कोई हिसाब से मेरा टाइम टेबल नहीं रहा कि मुझे स्पेशल तौर पर इस टाइम ये पढ़ना है। मैं साइबर कैफे भी चलाया, ठीक है, अर्निंग भी की, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी की, कोचिंग भी चले, सारी चीज एक साथ चली, रिवाइज चला, क्योंकि मैं काफी मतलब 2-3 बार फाइनल में बाहर भी हुआ और वैकेंसियों में और एग्जाम भी क्वालिफाई किए, तो इस चीज का मुझे बेनिफिट मिला, ठीक है। ये होता है ना कि एक बार हम ठोकर खाने लगते हैं और अपना कहीं ना कहीं मतलब हमें असफलता मिलने लगती है, तो उसी से हमें मोटिवेट मिलता है, उसी के जरिए फिर हम जो है सक्सेस हो पाते हैं। फिलहाल एक बार आके मुझे ये जॉब मिल गई और आज मैं ये जॉब कर रहा हूं, तो फिलहाल मैं ये कहूंगा अगर आप चाहते हो अपने मतलब अपनी जॉब लेना, तो एक लगन और एक मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें। ये देख लीजिए कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है या ऑफलाइन पढ़ना है, वो एक अपने एक टारगेट बनाइए, अपने एक बुक का सेट बनाइए और पढ़ने का रूटीन बनाइए, ठीक है, और सारी चीजों को अपना मतलब जो फालतू की चीजें हैं उनसे दूर रहें, सारी चीज अपनी जो है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वाली ज्यादातर करें, तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। तो मैं ऑफलाइन तैयारी करता था, ऑनलाइन तैयारी में नहीं करता था, ठीक है। तो आप चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी तैयारी करते हो कर सकते हो या ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो। जो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।